हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सरलीकरण के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद ट्रिक और कॉन्सेप्ट से। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक ट्रिक हर एक कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बारमास का रूल याद रखना है। बारमास का रूल का सेंस है बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब आप, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। जो ओ का मतलब आप होता है, इसके जगह पर हम गुणे का यूज करते हैं। और ब्रैकेट का मतलब, यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपको फिर डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 गुणे 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस का 27 माइनस का 2, 7 9 63। तो ये आपका हो जाएगा 25 गुणे 9 प्लस 27 में से 2 घटाएंगे 25, तो 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 245 और प्लस का 25 225 होगा। 225 और 25 कितना होगा 250। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस बार वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 3 में से डायरेक्ट 2 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 1 आपको कितना मिलेगा 3, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस का 3 आपका हो जाएगा 0, यानी आपका हो जाएगा 2 माइनस 0। इस तरीके से आपका जो आंसर होगा 2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले मार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं लेता हूँ माइनस का 10, यदि मार में माइनस का 10 दिया है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 के बराबर होगी। लेकिन यदि यही मार में प्लस का 10 दे दिया है तो इसकी वैल्यू केवल 10 होगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद में रखिएगा, यदि मार में माइनस का 10 दिया है तो इसकी वैल्यू 10 के बराबर होती है, यदि प्लस का 10 है तो 10 ही के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 2 = 6 माइनस 4 × 2 = 8। अब यहाँ से आपका माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14 है, माइनस के 14 में से आप 4 घटाएंगे तो मिलेगा आपको माइनस का 10। मार में माइनस के 10 की वैल्यू आपका हो जाएगा 10। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 5 है तो 5 लिख लिया माइनस, माइनस 10 मार में है तो इसका वैल्यू क्या होगा प्लस का 10, तो यहाँ पर 10 मैंने लिख लिया। फिर प्लस मार में प्लस का 15 है तो इसकी वैल्यू 15 ही होगी। फिर माइनस, माइनस का 20 है इसका मार में है माइनस का 20, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। फिर प्लस मार 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अब सॉल्व कर लीजिए, 25 और 15 40 और 5 45, 45 और माइनस का माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, यानी 45 माइनस 30 15 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। माइनस का 13, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिख लिया। प्लस माइनस का 5 गुणे माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 5 गुणे 4 करेंगे 20, तो 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, तो आपका हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 3 प्लस का 20, तो माइनस 13 माइनस 3 माइनस का 16 और प्लस का 20, तो आपका फाइनली आंसर होगा 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको आपको सॉल्व करना है, यानी का को सॉल्व करना है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस का 4 25 20/9 हो जाएगा। फिर माइनस का 6/3 गुणे 7/3, 3 से काटेंगे 3 × 2 = 6। अब सॉल्व कर लीजिए, ए भाग के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखने के लिए इसको पलट देते हैं, तो आपका हो जाएगा 1/3 × 3/2 प्लस 20/9 माइनस का ये आपका हो जाएगा 14/3। तो ए 3 से 3 कैंसिल, 1/2 प्लस का 20/9 माइनस का 14/3,
इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको होगा 18, दोनों 18 यानी 9 प्लस 9 दुना 18 यानी 20 दुना 40 माइनस 3 छक 18 चौछक 84, तो आपका हो जाएगा 84 में से 49 घटाएंगे तो 35 बचेगा माइनस का डिवाइडेड बाय 18। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 सही 17/18। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है तो सॉल्व करते हैं। 4 25 21/4 सबसे पहले ये मिश्रित फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न के रूप में दिया है, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लिया, प्लस 8 3 24 25/8 फिर ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में कर देते हैं, पलट देंगे तो 4 1 4 5/4 को क्या लिख सकते हैं 4/5, फिर माइनस का 4 1 4 5/4 ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 8 5 5 25 तो आपका हो जाएगा 21/4 प्लस का 5/2, फिर माइनस का आपका हो जाएगा 5/4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 2 का एलसीएम, इसका पूरा एलसीएम 4 होगा तो हो जाएगा 21 प्लस 2 से काटेंगे 2 2 4 2 5 10 माइनस का 5 तो हो जाएगा आपका 21 10 31, 31 में से 5 जाएगा कितना 26/4 यानी कितना हो जाएगा 13/2, 13/2 को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 6 से 1/2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दिया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 5 × 10 50 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10 करेंगे 90 प्लस का 4, अब सारे को जोड़ दीजिए 50 और 90 140 और प्लस का 4 यानी आपका हो जाएगा 144। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस प्रकार से दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करने से पहले आपको का को सॉल्व करना है, ए बार मास का रूल है तो सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मैं एक इस मिश्रित फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो 7 35 36/7 फिर ये डिवाइड है 7 1 7 5 12/7 गुणे का मतलब गुणा होता है 3 2 6 1 7/3 7 से 7 कैंसिल 3 से काटेंगे 3 4 12 तो आपका हो जाएगा 36/7 डिवाइडेड बाई 4 तो इसको लिख सकते हैं 36/7 गुणे गुणे के रूप में लिखने के लिए इसको उल्टा करना होता है यानी 1/4 तो 4 9 36 यानी आपका हो जाएगा 9/7 मिश्रित फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 सही 2/7 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 9 सही 1 सही 2/7 इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस प्रकार से दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इस फार्मूले पर बेस्ड है। आपका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो आपका ए स्क्वायर यानी a गुणे a लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं b गुणे b और ये आपका 2ab यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला है। a की वैल्यू 0.88 है और b की वैल्यू आपका 0.68 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.88 माइनस का 0.68 का होल स्क्वायर और नीचे आपको दिया है 0.88 माइनस का 0.68। अब एक चीज देख रहे हैं कि a आपका दो बार मल्टीपल के रूप में एक बार तो एक एक से यहाँ कैंसिल कर दीजिए तो आपको मिलेगा 0.88 माइनस का 0.68 यानी आपका आंसर होगा 0.2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 आपको इस प्रकार से दिया है तो सॉल्व करते हैं। इसको देखिए 8 1 8 में 7 जाएगा, 8 1 8 8 में 7 जाएगा 1 1/8 1/8 इसकी वैल्यू हो गई 1/8 / 8 तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा यानी इस पूरे की वैल्यू आपको 1 मिल गया और 6 × 1/1 यानी 1/6 ही होगा और प्लस का आपका है 5/6 इसको सॉल्व करेंगे तो 6/6 यानी आपका फाइनली आंसर होगा 1।